हेलो गाइस, वेलकम टू दिस मंडे न्यूज़। तो गाइस, आज हम बात करेंगे मार्वल, डीसी, हॉलीवुड और नेटफ्लिक्स इंडिया से रिलेटेड काफी कमाल के अपडेट के बारे में। साथ ही साथ बात करेंगे उन टीवी सीरीज के बारे में जो कि हिंदी में रिलीज हो चुकी है नेटफ्लिक्स पर अभी तक किसी को पता नहीं है, और बात करेंगे उन मूवीज के बारे में जो कि फ्यूचर में रिलीज होंगी इन हिंदी में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा अपडेट जानने के लिए, क्योंकि नेट की काफी ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है और 8 दिन से मैं कोई अपडेट या वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। तो मैंने सोचा कि जब भी नेट स्टार्ट होगा आगरा में, तो फाइनली 8 दिन के बाद नेट स्टार्ट हुआ, तो मैंने सोचा कि वो सारे अपडेट एक वीडियो में बता दी जाए। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर की कुछ बिहाइंड द सीन इमेजेस आई हैं जो कि काफी कमाल की हैं, जिसमें कि हमें एजेंट कार्टर, जीमो, फैल्कन, विंटर सोल्जर सब देखने को मिले एक साथ जो कि लड़ते नजर आ रहे हैं। अगर आपको और भी इमेजेस देखनी है तो ट्विटर अकाउंट को जाके फॉलो करो और वहां पे आपको सारी इमेजेस देखने को मिल जाएंगी। केजीएफ चैप्टर 2 का फाइनली फर्स्ट लुक लॉन्च हो चुका है, जो कि आपको मैंने पिछली प्रीवियस वीडियो में बताया था, और फाइनली ये लुक काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहा है और काफी बड़े बड़े एक्टर ने इसे शेयर भी करा है। हैरी पॉटर की जो कास्ट है, जिसमें कि मैलफॉय, रॉन वीजली, इन्होंने करा क्रिसमस वाले दिन एक शॉप में गए, वहाँ पर उन्होंने हैरी पॉटर के प्रोडक्ट खरीदे, कुछ कार्टून, कुछ टॉय खरीदे, और उन्होंने अपना पूरा क्रिसमस पता है किसके साथ सेलिब्रेट करा, जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको कैंसर है उन्होंने उसके साथ वो अपना पूरा दिन बिताया और उनको गिफ्ट्स दिए। तो ये काफ़ी अच्छा सरप्राइज था उन बच्चों के लिए। और मैं तो ये कहना चाहूँगा, अगर आपका कोई बर्थडे होता है या आप कुछ सेलिब्रेशन करना चाहते हो तो गरीबों को खाना बांटें प्लस उनको कपड़े दें, सर्दियों का टाइम चल रहा है, तो ऐसे नेक काम करोगे तो बड़ा अच्छा आपको लगेगा। तो ये उन्होंने ऐसा करा, मेरे को भी काफ़ी अच्छा लगा। अब एक गुड न्यूज़ है और एक रूमर भी है कि स्पाइडरमैन हमें वेनम 2 में देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल अभी ये रूमर है, जब ऑफिशियल कंफर्म हो जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा। और एक बिहाइंड द सीन इमेजेस एक्वामैन की, जो कि डायरेक्टर ने डाली है जेम्स बॉन्ड। तो और भी काफ़ी सारी इमेजेस हैं, तो आप उनके ऑफिशियल अकाउंट पर जाके देख सकते हो। बिहाइंड द सीन काफ़ी कमाल की है। ड्रैकुला जो कि 4 जनवरी को रिलीज होगी नेटफ्लिक्स पर हिंदी में, जी हाँ। तो अभी इसके रिव्यूज़ आए हैं ट्रेलर को देख के जो कि बहुत अच्छी हैं, तो प्लीज़ देखना ज़रूर 4 जनवरी को। जी मैन जो कि बिल स्मिथ की काफ़ी कमाल की मूवी है, आईट्यून्स को 8 जनवरी को लॉन्च होगी हिंदी में, तो देखना मत भूलिएगा। और इसका कोई डाउनलोड लिंक आएगा तो मैंने टेलीग्राम पर डाल दूंगा। सोनिक, इसका एक बेबी लुक लॉन्च हुआ है जो कि प्यारा लग रहा है, क्यूट लग रहा है और लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आया है। इसका एक चाइनीज ट्रेलर भी लॉन्च हुआ है, तो उसको देखना, उसमें नए नए सीन देखने को मिलेंगे आपको। चीता जो कि एक वंडर वूमन ने विलेन है, उसका नया अनऑथर लुक लॉन्च हुआ है जो कि काफ़ी कमाल की और स्मार्ट और हॉट सी भी लग रही है, तो मेरे को तो बहुत ज़्यादा पसंद आया। विल स्मिथ की जो अपकमिंग मूवी आ रही है बैड बॉयज़, 31 जनवरी को इंडिया में हिंदी, तमिल, तेलुगु में रिलीज़ होगी, तो मूवी को देखना ज़रूर, काफ़ी कमाल की और फनी मूवी होने वाली है। और अब एक काफ़ी कमाल का अपडेट, ऑफिशियली कन्फर्म हो चुका है कि डेडपूल 3 पे काम स्टार्ट हो गया मार्वल स्टूडियो में, जी हाँ, और फ्यूचर में हमें ये मूवी देखने को मिलेगी। तो मैं तो डेडपूल सीरीज का बहुत बड़ा फैन हूँ, पर अब मार्वल बना रहा है तो कुछ तो यूनिक होने वाला है और ये यूनिवर्स में कनेक्ट भी होगा। अब ये देखना कि कैसे कनेक्ट होगा। ब्लैक विडो का ऑफिशियली बाइट सूट का एक कौन सा पार्ट है जो कि काफ़ी कमाल का और एकदम खतरनाक लग रहा है, तो अगर आपको ये देखना है तो मुझे बताइएगा मैसेज करके, मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा पर्सनली आपको, मैं अभी तक सोशल मीडिया पर भी नहीं डाला है। और एक ही कौन सा पार्ट लॉन्च हुआ है प्रोफेसर हल्क का, जिसमें कि उन्होंने सिर्फ पैंट पहन रखी पर ग्लासेस प्लस उनकी हेयर स्टाइल भी है, तो ये फाइनल नहीं था इसलिए हटा दिए गए मूवी में से। लॉस्ट इन द स्पेस सीजन 2 हिंदी में आ चुका है, जाके देखो नेटफ्लिक्स पे, अच्छा है। पहला एपिसोड तो मैंने देख लिया है, मज़ेदार है, मेरे को तो अच्छा लगा। अंडर वाटर हिंदी में रिलीज होगी पर थिएटर में नहीं, ये होम डिजिटल में रिलीज होगी हिंदी में बाद में डबिंग होकर, तो ये थोड़ी बैड न्यूज़ भी है, पर एक गुड न्यूज़ है कि हमें ये फ्यूचर में आगे हिंदी में भी देखने को मिलेगी। VOP यानी कि हार्ली क्विन के कुछ नए इमेजेस आए हैं जो कि व्हाट्सएप पे के हैं और काफ़ी कमाल के लग रहे हैं। तो ये सारी इमेजेस इतनी सारी लॉन्च करने का मतलब क्या है यार, अभी तक मूवी भी रिलीज़ नहीं हुई और ये लोग इतनी सारी इमेजेस लॉन्च कर रहे हैं। अगर ये आपको ये सारी देखनी है तो मेरे ट्विटर, इंस्टा, फेसबुक पर, चाहे आप टेलीग्राम पर बोल दीजिए तो मैं उस पर भी डाल दूंगा, एज अ वॉलपेपर भी लगा सकते हो, क्योंकि नई नई इमेजेस हैं, काफ़ी कमाल की भी लग रही हैं और लुक भी काफ़ी सारे ज़बरदस्त हैं। और आपको अगर और भी देखनी है और डाउनलोड करनी है तो आप ट्विटर अकाउंट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे फुल HD में डाउनलोड हो जाती है। उसके बाद एक नया एम्पायर मैगजीन की तरफ से लुक आया है, वो है वंडर वूमेन का, जो कि एकदम हवा में उड़ती रही हैं, मज़ा एकदम मस्त लग रही हैं, और उनका कॉस्ट्यूम भी बिल्कुल डिटेल में है, पर ये थोड़ा ब्लड टाइप का, उन्होंने फुल HD में लॉन्च नहीं करा। एक नया लुक आया है कैप्टन अमेरिका का बिहाइंड द सीन, जिसमें कि उनकी शील्ड टूटी हुई है और वो नीचे धरती पर लेटे हुए हैं, तो काफ़ी कमाल का लग रहा है। और याद भी बहुत आती है एवेंजर एंड गेम की, क्योंकि इससे बड़े लेवल की मूवी फ्यूचर में देखने को मिलेगी या नहीं इसका कुछ कंफर्म नहीं है। क्रिस हेम्सवर्थ ने अपनी बेटी जिसका नाम है इंडियाना, उन्होंने एक इमेज डाली है जिसमें कि वो स्केटबोर्ड चला रही हैं, तो काफ़ी कमाल की लग रही हैं। और फ्यूचर में हमें जल्दी एक अपडेट आने वाला है कि हाँ, ग्रीन लैंटर पर फ्यूचर ही ऑफिशियली काम स्टार्ट हो चुका है और जल्दी हमें इसका फर्स्ट लुक भी देखने को मिलेगा 2020 में। हॉक गर्ल जो कि DC की कैरेक्टर है, यह हमें ब्लैक एडम मूवी में देखने को मिलेगी जो कि ऑफिशियली कन्फर्म हो चुका है।
फास्ट एंड फ्यूरियस 9 का ऑफिशियली ट्रेलर लॉन्च होगा 31 जनवरी को, याद रखिएगा, काफी कमाल का। और ये सीरीज का शायद लास्ट पार्ट बता रहे हैं, तो देखते हैं इन फ्यूचर क्या होता है। और अब अपडेट है काफी कमाल का रियान की तरफ से, तो हिटमैन बॉडीगार्ड 2, जी हाँ, ये समर 2020 को रिलीज होगी। रिलीजिंग डेट अभी तक नहीं बताई है, पर देखते हैं कि ऑफिशियली डेट कब होगी। व्हाट इफ का सीजन 2 भी कंफर्म हो चुका है, और पर सीजन में शायद 8 से 9 एपिसोड होंगे, तो काफी कमाल का होने वाला है। और देखते हैं कि ऑफिशियली अपडेट कब आएगा। टॉम ने एक अभी हाल ही में इमेज डाली है लोकी की टीम के साथ, जो कि काफी सारे लोग खुश लग रहे हैं, और उसका प्रोडक्शन भी स्टार्ट हो चुका है। देन उसके साथ द गिफ्ट, ये एक नेटफ्लिक्स की टीवी सीरीज है, हिंदी में आ चुकी है। अगर आपने अभी तक ये नहीं देखी है और आपको कुछ नया देखने का मन कर रहा है तो उसको जरूर देखिएगा, काफी कमाल की है। स्टैनली का फ्यूचर कैमियो बरकरार रहेगा आने वाली फ्यूचर मूवीज में, तो देखते हैं कि ये ऑफिशियली अपडेट हमें कब मिलेगा, पर अभी ये फिलहाल अपडेट यही आया है। देन उसके साथ एक नई टीवी सीरीज काफी कमाल की, विकम पॉइंट, काफी कमाल की टीवी सीरीज है, ये भी हिंदी में आ चुकी है, तो जाके देखो यार अगर आपने अभी तक ये टीवी सीरीज नहीं देखी है। क्यूट प्लेस पार्ट 2 का ऑफिशियली पोस्टर लॉन्च हुआ था, पर 8 दिन से नेट नहीं चल रहा है, मैं कोई अपडेट नहीं दे पाया, तो मैंने सोचा कि इसको भी इंक्लूडिंग कर लिया जाए, तो काफी कमाल का है। द न्यू म्यूटेंट्स, इसका ट्रेलर आपको जनवरी में देखने को मिलेगा, और क्यूट प्लेस का ट्रेलर देखने को मिलेगा आपको 1 जनवरी को, तो ध्यान रखिएगा, तो जनवरी में धमाके होने वाले हैं। डेनियल, जो कि हैरी पॉटर का कैरेक्टर प्ले करते थे, पता चला है कि फ्यूचर मून नाइट का कैरेक्टर प्ले कर सकते हैं, अभी रूमर है, कोई ऑफिशियल कंफर्म नहीं है। देन उसी के साथ रूसो ब्रदर ने एक इमेज डाली है, पीछे टॉम हॉलैंड खड़े हुए हैं और उनकी शूटिंग चल रही है चेरी की, जो कि एक अपकमिंग सुपर हीरो मूवी है, पर डिफरेंट टाइप की। और एक एक गुड न्यूज़, बॉलीवुड की नई अपकमिंग सुपर हीरो मूवी रक्षक, ये मुंबई की कॉमिक बुक है, इसके ऊपर एक ऑफिशियली मूवी बन रही है और संजय गुप्ता इसको बना रहे हैं, तो उनका मन था कि वो मार्वल सिनेमैटिक की तरह बॉलीवुड में भी कुछ एक ऐसा सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाए जिसमें कि इंडियन सुपर हीरो हो, तो देखते हैं कि ये उनका सपना सच होता है या नहीं, पर मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ रक्षक के लिए कि फाइनली ये सुपर हीरो कैसा होगा, इसकी कास्ट क्या होगी। और अब बात करते हैं मेरी हेल्थ के बारे में, तो आप सभी को पता होगा मेरी रेड किडनी में इन्फेक्शन हो गया था, तो कल की जो रिपोर्ट हुई है ब्लड टेस्ट यूरिन टेस्ट का, वो एकदम क्लियर हुई है और मेरी तबीयत बिल्कुल सही है। और 8 दिन से जो नेट बंद था, तो इस चक्कर में मैं कोई अपडेट भी नहीं दे पाया था, अगर इसी तरीके से नेट बंद हुआ तो शायद आगे भी नहीं दे पाऊंगा, पर दुआ करते हैं कि नेट बंद ना हो। और ये लड़ाई दंगे जो हो रहे हैं आजकल फिरोजाबाद में, दिल्ली में, मथुरा में, आगरा में, ऐसे ना हो। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, तो कैसा लगा अपडेट, कैसा लगा वीडियो, अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हो पेज को लाइक करें, रियली में आपको वीडियो पसंद आता है लाइक कमेंट शेयर करो, जो मैं इस वीडियो को नहीं देखो या तो उस पर थैनोस के हाथ मारो या पैर मारो, पर और कुछ मत मानना, बाय बाय, जा रहा हूँ। Hello